हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजनसी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई अंडररेटेड कैनेडियन रोड थ्रिलर मूवी रैकर का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं माइकल बेफरो। इसका दूसरा नाम है ड्राइवर फ्रॉम हेल और ये एक रिप ऑफ है स्टीवन स्पीलबर्ग की ड्यूल का। इसे आप हिंदी, बंगाली, तमिल और तेलुगु में फ्री में देख सकते हो एमएक्स प्लेयर पर और बिना एड के अमेजोन प्राइम पर। अगर आपको जॉय राइड पसंद है तो ये भी उसी के टाइप की मूवी है। और अगर आपने जॉय राइड नहीं देखी तो उसकी वीडियोज भी चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें भी चेक कर लेना। तो ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक हस्बैंड वाइफ को जिनकी कार खराब हो चुकी है डेविल्स पास नाम के रोड पर। वहां पर सिग्नल भी नहीं थे, इसलिए वो वेट कर रहे थे कि कोई गाड़ी वहां से गुजरे तो उन्हें मदद मिले। तभी अचानक कोई वहां पर आया जिसे दिखाए बिना ही सीन हो गया शिफ्ट। इसके बाद हम देखते हैं एमिली को जो अपनी फ्रेंड लेज़ली के साथ जा रही है एक रोड ट्रिप पर। और एमिली को आपने देखा होगा पावर रेंजर जंगल फ्यूरी में एज येलो रेंजर। इस ट्रिप पर जाने की वजह है एमिली का बॉयफ्रेंड रैंडी। एमिली को लगता है कि वो इसे चीट कर रहा है, तो कुछ टाइम के लिए उससे छुटकारा पाने के लिए ये इस ट्रिप पर आई है झूठ बोलकर। फिलहाल कोई भी नहीं जानता कि ये कहां पर जा रही है। और वैसे ये जा रही है लेज़ली के बॉयफ्रेंड जिम के पास, जहां पर लेज़ली इसे जिम के दोस्त रिक से मिलवाएगी ताकि ये भी रैंडी को चीट करे। रास्ते में उन्हें एक लड़का दिखा जो कि लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन बिना गाड़ी रोके वो आगे निकल गई क्योंकि ऐसी जगहों पर किसी को लिफ्ट देना खतरे से खाली नहीं होता। हालांकि बिना किसी को बताए या फिर झूठ बोलकर कहीं पर जाना भी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अचानक वो रुक गए क्योंकि सामने से दो रोड जा रहे थे, एक सीधा और एक डेविल्स पास। GPS काम नहीं कर रहा था, इसलिए लेज़ली के कहने पर वो डेविल्स पास पर ही चल दिए। उसी रास्ते पर आगे उन्हें मिला एक टो ट्रक जिसने टो किया हुआ था उसी कपल की कार को जिसे हमने देखा था इंट्रो में, पर कपल कहीं भी नजर नहीं आ रहा। वो उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं दे रहा था और उसमें से काफी बुरी स्मेल भी आ रही थी, इसलिए किसी तरह एमिली ने उसे ओवरटेक कर लिया और हम देख पाए कि उस ट्रक के अंदर थे सैटेनिक सिंबल्स। आगे जाकर वो रुके गैस स्टेशन पर, तो वो ट्रक भी वहीं पर रुक गया। एमिली ने ड्राइवर को देखने की कोशिश की, लेकिन वो देख पाई सिर्फ उसके जूते। वहां का वर्कर उसे बताता है कि तुम्हारे कार इंजन के अंदर ऑयल कम है, लेकिन उन्हें ट्रक से पहले आगे निकलना था, इसलिए वो कहती है कि मैं आगे कहीं पर डलवा लूंगी। ट्रक से पहले निकलकर वो बड़ी शांति से ड्राइव कर रही थी, तभी अचानक वो ट्रक उनसे आगे निकल गया जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब वो फिर से उनके सामने अड़ चुका है और आगे जाने का रास्ता नहीं दे रहा। एमिली ने ट्राई किया तो वो सामने से आ रही कार में क्रैश होने से बच गई। उन्हें लग रहा था कि ड्राइवर पागल है, इसलिए वो उसकी कंप्लेन करना चाह रहे थे ट्रक के पीछे लिखे नंबर पर, लेकिन सिग्नल वहां पर थे नहीं। तब एमिली ने फिर से ट्राई किया और इस बार वो आगे निकल गई, जिसका फायदा उठाकर लेज़ली ने ड्राइवर को गालियां भी बक दी। अब वो टेंशन फ्री हो चुके थे क्योंकि ट्रक काफी पीछे रह गया, ऐसा उन्हें लग रहा था। असल में अब वो ट्रक पड़ चुका था उनके पीछे और वो उनके काफी पास होकर चल रहा था, इसलिए एमिली ने उसे आगे जाने दिया, लेकिन आगे जाकर उसने फिर से वही गेम स्टार्ट कर दी। इस बार वो इन्हें जरा भी साइड नहीं दे रहा था। तभी सामने आ गया एक डायवर्जन जिसका यूज करके वो फुल स्पीड में उससे आगे निकल गई, क्योंकि मस्टैंग का मुकाबला तो वो नहीं कर सकता स्पीड में, पर फिर भी वो पूरा कैच अप कर रहा था, इसलिए एमिली ने और ज्यादा स्पीड बढ़ा दी, जिसके चलते वो सामने खेल रहे दो बच्चों को उड़ा देती। वो तो ठीक टाइम पर ब्रेक लग गई, इसलिए वो बच गए। थोड़ी सांस लेने के लिए वो दोनों जाकर बैठ गई एक डाइनर में, लेकिन वहां भी उनकी सांसें रुक गई जब उन्होंने उस ट्रक को बाहर खड़े देखा अपनी कार के पीछे, यानी कि वो ड्राइवर भी यहीं पर है। एमिली सबके जूते चेक करने लगी और एक के ऊपर उसे शक भी हुआ, लेकिन वो कोई और निकला, पर एक दूसरा आदमी उन दोनों को ही घूर रहा था, तो एमिली सीधा उसके पास जाकर उसे सुनाने लगी। एमिली ने उसका बर्गर सब फेंक डाला, तो गुस्से में उसने भी एमिली को पकड़ लिया। वो तो सही टाइम पर वेट्रेस बीच में आ गई और उसने इन दोनों को ही बाहर निकाल दिया। तब वो आदमी उस ट्रक तक पहुंचा क्योंकि उसका ट्रक खड़ा था उस टो ट्रक के पीछे, जिसे लेकर वो निकल गया और एमिली फिर से हो गई परेशान क्योंकि उस ट्रक का ड्राइवर अंदर था ही नहीं। वो तब से बैठा था अपने ट्रक के अंदर और अब वो फिर से इनके आगे चल दिया इनके ट्रिप को नर्क बनाने। ये दोनों उसके पीछे भागी लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। आखिर में इन्हें भी कार लेकर निकलना पड़ा। वो दोनों चिंता में थी कि ना जाने कब वो ट्रक इनके सामने आ जाएगा, और तभी एक ट्रक उनके सामने आया भी, लेकिन उसका ड्राइवर काफी अच्छा था, उसने बड़े आराम से आगे जाने का रास्ता दे दिया। दोनों हंसते हुए आगे निकल गई, लेकिन आगे जाते ही उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि सामने खड़ी थी उसी कपल की कार। अब साइड में बहुत सारी जगह है इनकी कार के निकलने के लिए, फिर भी पता नहीं ये आगे क्यों नहीं जा रही। पीछे से वो अच्छे वाला ट्रक ड्राइवर आया तो दोनों उसके साथ मिलकर इस कार को रास्ते से हटाने लगी। लेज़ली ने अपनी कार को पीछे किया और एमिली बैठ गई उस कार के अंदर, लेकिन तभी पीछे से आ गया वो ट्रक और उसने टक्कर मारकर बड़े आराम से उस कार को रास्ते से हटा दिया। एमिली जल्दी से बाहर निकली और अपनी कार में बैठकर वो दोनों तो निकल गई उस अच्छे ड्राइवर को वार्न करके, पर वो ट्रक अब भी उनके पीछे था।
लेस्ली फुल स्पीड में कार को भगा रही थी जिससे वो दोनों बच भी जाती, लेकिन खराब किस्मत की वजह से कार का टायर फट गया और दोनों फंस गई रोड पर। इतने में वो ट्रक फुल स्पीड में उनके पास पहुंचा और तब उन्हें लगा कि अब तो गए, लेकिन वो बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे निकल गया। तब एमिली टायर बदलने में लग गई और लेस्ली दे रही थी पहरा, तभी अचानक लेस्ली के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि वो ट्रक सामने ही खड़ा था। पूरी स्पीड में वो इनकी तरफ बढ़ने लगा तो दोनों जल्दी से भाग गई फील्ड में, पर जल्दबाजी के चक्कर में एमिली गिर गई और सर पत्थर पर लगने की वजह से वो हो गई बेहोश। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लेस्ली गायब थी और कार का टायर भी बदला हुआ था, यानी कि वो ड्राइवर लेस्ली को अपने साथ ले गया और साथ ही साथ कार का टायर भी चेंज कर गया ताकि एमिली फिर से रोड पर आ जाए और वो फिर से स्टार्ट कर दे अपना गेम। एमिली भी फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थी ताकि वो ट्रक इसे मिल जाए, और ऐसा हुआ भी, वो रास्ते में ही खड़ा था। कार से उतरकर एमिली उसके पास जाने लगी, लेकिन जितना वो पास जा रही थी उतना ही वो आगे जा रहा था। तब थकर कर एमिली वापस अपनी कार में आ गई और साथ में आ गया वो भी। वो कार को ठोक देता पर एमिली किसी तरह बचकर आगे निकल गई। इस बार वो रोड के साइड में सेफली छुप गई थी जहां पर एक फोन भी था। जैसे ही वो ट्रक आगे निकला एमिली उस फोन के पास गई, लेकिन उसकी किस्मत की तरह वो भी खराब था। तब एमिली अपनी कार में जाकर बैठ गई और ऐसे ही उसकी आंख लग गई कि तभी अचानक वहां पर पहुंच गई लेस्ली। वो बोल रही थी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों आई, जबकि एमिली ने इसे चारों तरफ ढूंढा था लेकिन ये आसपास थी नहीं। एमिली उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी यहां तक कैसे पहुंची, तो वो कहती है कि लिफ्ट लेकर, वो भी उसे ट्रक से। एमिली को समझ पाती उससे पहले उस ट्रक ने साइड से आकर कार को उड़ा दिया और तभी वो जाग गई। ये बस एक बुरा सपना था। अब वो फिर से आगे बढ़ गई, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो ट्रक फिर से उसके पीछे लग गया क्योंकि ये भी कहीं पर रुककर इसी का वेट कर रहा होगा। खैर एमिली ने फिर से कार को फुल स्पीड में भगा दिया जिस वजह से उसे रोक लिया एक पुलिस ऑफिसर ने, और इससे अच्छा और क्या होगा, इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, पहली बार कोई चालान कटवा कर इतना खुश होगा। खैर एमिली ने जल्दी से उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उस ट्रक ने उसे कुचल कर मार दिया। अब तो एकदम साफ हो चुका है कि ये आदमी कोई मजाक नहीं कर रहा। एमिली ने पुलिस रेडियो के थ्रू मदद मांगनी चाही, लेकिन इतने में वो ट्रक फिर से उसकी तरफ आने लगा। तब एमिली ने जल्दी से ऑफिसर की गन निकाल ली और वो ट्रक चुपचाप आगे जाकर उस ऑफिसर की कार को टो करके ले गया बिना एमिली को नुकसान पहुंचाए। ये देखकर वो भी हैरान थी, लेकिन सेफ नहीं। ऊपर से उसकी कार में फ्यूल भी खत्म था, इसलिए आगे जाकर वो रुकी एक गैस स्टेशन पर, लेकिन वहां का वर्कर बोल रहा था कि स्टेशन बंद है, पर तभी उसने देख ली एमिली के हाथ में पकड़ी हुई गन, इसलिए वो चुपचाप फ्यूल भरने लगा। और इतने में एमिली वहां के फोन से पुलिस को कॉल कर रही थी, लेकिन तभी उस ट्रक ने आकर फोन बोती उड़ा दिया। तब एमिली फिर से कार लेकर भागी, लेकिन इस बार वो और बुरी फंस गई। उसके सामने था एक ट्रक और पीछे था वो टो ट्रक जो उसे बीच में दबाकर मारना चाह रहा था, पर एक मोड़ की वजह से वो बचकर निकल गई और वो टो ट्रक फंस गया पीछे। इस बार एमिली काफी आगे निकल आई, लेकिन और आगे ये नहीं जा सकती क्योंकि कार का इंजन जवाब दे गया, ऑयल उसमें खत्म था और ऊपर से वो ट्रक भी वहां पहुंच चुका था। तब उसने डिसाइड किया कि भागने के बजाय अब वो सामना करेगी। वो कार को आगे से मोड़ कर लाई और यहां पर शुरू हुई आमने सामने की टक्कर, जिसमें एमिली ने ड्राइवर को चकमा देकर फंसा दिया एक क्लिफ पर। अब वो कहीं भी जान नहीं सकता। कार से निकल कर वो उसके पास गई उसका फेस देखने, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा, इसलिए वो जल्दी से वापस आई, लेकिन उसका फोन नहीं बज रहा था, फोन बज रहा था कार के ट्रंक में। और जैसे ही उसने ट्रंक ओपन किया उसके होश उड़ गए क्योंकि अंदर पड़ी थी लेस्ली की लाश, जिसे तब से ढूंढती फिर रही थी, वो तो तब से इसके साथ ही थी। अब लेस्ली का बदला लेने के लिए उसने ट्रक को धकेल कर क्लिफ से नीचे गिरा दिया और वो चल दी अपने रास्ते। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक जंकयार्ड में पहुंची है और वहां पर पड़ी है उसी कपल की कार, पुलिस वाले की कार, वो अच्छे वाले ड्राइवर का ट्रक और आखिर में वो टो ट्रक, यानी कि ड्राइवर अब भी जिंदा है। सीक्वल की उम्मीद के साथ ये मूवी हो गई खत्म, लेकिन सीक्वल कभी आया नहीं क्योंकि मूवी में कई सारी कमियां हैं, मेनली बार बार वो आगे पीछे वाले सीन, और कई चीजें सेंस भी नहीं बनाती, जैसे रोड पे खड़ी वो कपल की कार जिसे अवॉइड करके बड़े आराम से आगे निकल सकते थे, लेकिन वो लग गए उसे साइड करने में जबकि वो पहले से साइड में थी। एंड में एक ट्विस्ट आया जो कि ठीक था, लेकिन ट्विस्ट आना चाहिए था ड्राइवर को लेकर। अगर ये रिवील होता कि ड्राइवर लेस्ली का बॉयफ्रेंड जिम था जिसके साथ मिलकर लेस्ली एमिली को मारना चाहती थी, तो एक बहुत अच्छा ट्विस्ट होता जिससे शुरुआत से लेकर एंडिंग पूरी तरह सेंस बना देती, क्योंकि लेस्ली एमिली को लेकर आई थी झूठ बुलवाकर और ये पूरी ट्रिप उसी का प्लान था। उसी के कहने पर वो डेविल्स पास पर मुड़े थे। वैसे जितने भी कैरेक्टर्स के नाम लिए गए वो सब वेस्ट थे, पर ऐसा करके पूरा कनेक्शन बन जाता। जो कैरेक्टर्स बीच में लाए गए उनका भी कोई यूज नहीं हुआ। उन्हें विक्टिम बनता दिखाते या फिर फीडबैक दिखाते तो ज्यादा अच्छा होता, और इसके अलावा भी मैं कई सारी राय दे सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा।
ये मूवी इंस्पायर्ड है ड्यूल, द वैनिशिंग और ब्रेकडाउन से, और जिस हाईवे पर ये शूट हुई थी वो मूवी में एकदम वीरान लगा, जबकि असल में वो काफी बिजी हाईवे है। एक रोड थ्रिलर के हिसाब से मूवी वीक है, क्योंकि कोई भी सीन प्रॉपर एंड नहीं होता। कई सारे उल्टे सीधे कट्स हैं जिन्हें टेंशन बढ़ाने के लिए डाला गया, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए, मैं तो ये कहूंगा। बाकी आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी, और अगर आपको ड्यूल का ब्रेकडाउन चाहिए तो आपको करने होंगे 1500 कमेंट्स। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि उस मूवी को एक बार जरूर देखो। बाकी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट कर लो ऑल पर, ताकि नोटिफिकेशन आपके आगे पीछे चलती रहे। और ज्यादा कनेक्टिव रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।